वेलकम बैक टू माई चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल की शॉपिंग का सामान। जी हाँ, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग की थी। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी और रिजनेबल प्राइस पर चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको दिखा दूँ कि ये सामान कितने सुंदर सुंदर सामान आ गए हैं पूजा के मार्केट में। जी हाँ, मार्केट में आजकल लड्डू गोपाल अधिकतर सबके घर में है। जी हाँ, और जन्माष्टमी की तैयारियाँ तो ऐसे धूमधाम से होती है। इतना बड़ा पर्व है, इसमें झांकियाँ सजाई जाती हैं, गोपाल जी के वस्त्र गहने और सामान की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है जन्माष्टमी के दौरान। वहीं कई बार श्रृंगार पोशाक जो है मन लायक नहीं मिलती हैं। मैं जहाँ से पोशाक लाई हूँ, सामान लाई हूँ, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें थी, बहुत सी सुंदर सुंदर पूजा का सामान, सिंहासन, पालने, बहुत सारी चीज़ें। जी हाँ, आप सबको भी परेशानी होती होगी कि कहाँ से सामान खरीदें, कैसा सामान खरीदें। वैसे तो इसका दिल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है, सभी दिल्ली से ही लाते हैं, परंतु छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, हर जगह तरह तरह के सामान आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर सामान है, गहने हैं। जी हाँ, एक से एक गहने, ये स्टोन जड़ित गहने हैं जो लड्डू गोपाल को अगर आप पहनाते हैं, मैंने ये मैचिंग की हुई है, अगर आप भी इस तरह से मैचिंग करके पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें आई हैं मार्केट में, मुकुट हैं, एक से एक प्यारे मुकुट हैं। आप देख सकते हैं बांसुरी, बहुत ही प्यारी है ये मुकुट है। जी हाँ, ये और दूसरा मुकुट है ये भी, और ये ड्रेस है। और ड्रेस आजकल लड्डू गोपाल की नहीं, सभी तरह की ड्रेसेस हैं, जैसे माता रानी को आप देख रहे हैं, ये दुकान की जो ओनर है ये श्रृंगार कर रही हैं राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण की जो युगल सरकार की जो मूर्ति है, ये उन्हीं का श्रृंगार है। आप देख सकते हैं ये अभी अभी इन्होंने तैयार किया है, और अब ये कान्हा की दूसरी मूर्ति का श्रृंगार कर रही हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखना पड़ता है इन सब में, मैं इसीलिए बनाने पर विवश हो गई ये वीडियो, कि आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है इन्होंने। बहुत इनके यहाँ बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे एक से एक प्रिटी सामान हैं। ये झांकियाँ सजाई हैं, ये सावन के लिए राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए जो झांकियाँ हैं। जी हाँ, और आप देखेंगे यहाँ बहुत सारा सामान है, इतनी यहाँ हर जगह राधे कृष्णा ही छाए हुए हैं, ये भी राधे कृष्णा ही है। इतना सारा सामान, इतना सुंदर सामान कि देखने को मन करता है। आप जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता आप क्या खरीदें क्या ना खरीदें। जी हाँ, अब आप आगे देखेंगे छोटे छोटे बाल गोपाल बैठे हुए हैं, ये वो बाल गोपाल हैं जो शॉपिंग के लिए लाए गए हैं। आप इन्हें तैयार करवा कर भी ले जा सकते हैं, ये इनके भोजन के वस्त्र, कपड़े, बर्तन, सभी कुछ है यहाँ पर। जी हाँ, आजकल मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे से गिलास, छोटे छोटे लोटे, थाली, प्लेट, कटोरी, सभी कुछ है। जी हाँ, आगे आप देखेंगे सिंहासन है, सारे गोपालों को आइस लगाकर तैयार किया गया है। वैसे तो आइस अलग से लेनी पड़ती है, पर इन्होंने आइस के साथ ही तैयार किया हुआ है। जी हाँ, ये जो आँखें हैं, जो नेत्र हैं गोपाल जी के, ये अलग से ख़रीदने पड़ते हैं कई बार। ये आप देख सकते हैं, ये कलश के लिए या अखंड ज्योत के लिए जो दीपक आ रहे हैं आजकल मार्केट में, कितने सुंदर सुंदर दीपक आ रहे हैं। इनके यहाँ एक अलग ही वैरायटी है। जी हाँ, ये आजकल मार्केट में इतनी अच्छी वैरायटी, कभी कभी हम जब इन्हें लेने जाते हैं तो हमें मिलता नहीं है कुछ भी ऐसा। अब नए पुराने हर तरह के डिज़ाइन हैं। ये मिरर वर्क वाला है, मैं यही लेकर आई थी। और आप देख सकते हैं ये शंख रखने के स्टैंड है, छोटे छोटे बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं। लेकिन आजकल मार्केट में पूजा का इतना कुछ आ गया है, देखने में तो लगता है जैसे भक्ति ख़त्म हो गई है, लेकिन मार्केट में लड्डू गोपाल का सामान देखते हैं। अब ये देखिए छोटी छोटी गायों की छोटी छोटी मूर्तियाँ। जी हाँ, बड़ी क्यूट हैं ये भी, और ये साथ में मोर भी हैं, जैसे कोई झांकियाँ सजाने के लिए लेता है। जी हाँ,
जैसे किसी ने अपने घर में झांकी सजानी है या कहीं और झांकी सजानी है, तो इस तरह के आपको ये वो भी मिलेंगे। ये पंखे भी हैं लड्डू गोपाल के, छोटे छोटे फ़ैन आ रहे हैं, ये ज़रा ज़रा से हैं, ये इलेक्ट्रिक हैं, बिजली से चलते हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, इतने प्यारे प्यारे सिंहासन भी हैं। इतनी मेहनत की हुई है इन पर, इतनी नक्काशी की हुई है कि हम शायद घर पर चाहेंगे तैयार करना तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी को शौक़ है बनाने का तो आप बना सकते हैं, परंतु इतने सुंदर मार्केट में जब बने बनाए मिल रहे हैं तो घर पे कौन सामान लाके मेहनत करेगा इतनी। आप देख सकते हैं, एक से एक डिज़ाइन है यहाँ पर। जी हाँ, ये छोटे छोटे से सिंहासन हैं, छोटे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए, बड़े छोटे सब तरह के, हर साइज़ के हैं। ऊपर बहुत बड़े बड़े भी रखे हुए हैं, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। हर साइज़ के हैं इसमें, देखिए एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मुकुट इतने सारे हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं कि जब लेने जाओ ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैं तो परेशान होकर उन्हीं से कहती हूँ, भाई ऐसा है जो आपने पहनाया हुआ है उसी में से एक सेट मेरे लिए भी निकाल दो, क्योंकि इतने सारे मुकुट हैं, सभी सुंदर लगते हैं तो दिखाई नहीं देता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जी हाँ, पर ये बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। आप जब भी आप मार्केट में जाएं, क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं करें, तो एक बार अपने शॉप वाले से ज़रूर पूछें, क्योंकि उनके पास इतने सारे आइटम होते हैं जो वो तैयार करती हैं, एक से एक वैरायटी निकाल कर देते हैं। जी हाँ, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। थैंक यू।